हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 16, लाइंस एंड एंगल, अपनी क्लास 7 की कंसाइज मैथमेटिक्स में से। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी सीख ली हुई है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वर्टिकल ऑफसेट एंगल एंड मैनी मोर थिंग्स, वो हम सब कुछ सीख चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइज ईजिली समझ आएगी, क्योंकि वो वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन आती होगी तो हम चैप्टर को अच्छी तरह कर लेंगे। और उससे पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16A, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स कि हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट, अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कैन हैव ओनली 2000 पॉइंट्स इन इट। उन्होंने बोला है कि आपके पास एक लाइन है जो 4 सेंटीमीटर लेंथ में होगी और उसमें 2000 पॉइंट्स आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आ सकते। तो हम क्या बोल देंगे, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, बिकॉज कोई भी गिवन लाइन है आप उसमें इनफिनाइटली पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज एक पॉइंट यहाँ आ गया कि यहाँ पे, तो हम नहीं बता सकते कि इसमें एग्जैक्ट कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, तो इनफिनाइटली जितने मर्जी पॉइंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, अरे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अब उन्होंने हमें बोला है कि रे का वन एंड पॉइंट होता है और लाइन का टू, ये हो गया हमारा ट्रू, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था इंट्रोडक्शन में, रे कैसे ड्रॉ करते हैं ऐसे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड एरो ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं ऐसे। थर्ड, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। अब हमें क्या बोल रहा है, अ लाइन सेगमेंट, जैसे हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। जैसे आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, क्या उनका सबसे छोटेस्ट डिस्टेंस होता है? यस, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रोन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, एक गिवन पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, वो कह रहे हैं इसमें से हम इनफिनाइटली नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, ट्रू। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, देखिए ये पॉइंट है ना, हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रॉम हेयर, ऐसे आप जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आ गया, राइट द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन, अब फिफ्थ पार्ट के आगे हमारे 3 सब पार्ट्स हैं। ए, अ लाइन सेगमेंट ए बी, जब भी हमारी कोई लाइन सेगमेंट होगी तो उसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। अरे ए बी, अगर जैसे यहाँ तो लाइन ए बी थी, हमारे 2 एंड पॉइंट्स आ गए, रे ऐसे बनाएंगे हम, तो ये ए यहाँ पे बी होगा, पर ये एक्सटेंड हो रहा है, तो एंड पॉइंट इसका ओनली 1। और लाइन, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता तो हम लिख देंगे 0। लाइन को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। पार्ट 6, आउट ऑफ ए बी, ए बी देखिए यहाँ इस सिंबल्स को देखिए, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है रे, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन रे, ये इस साइड बना दिया एरो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेगमेंट, जिसके साइड दोनों साइड एरो नहीं होते, वो होती है आपकी लाइन सेगमेंट। विच वन हैज़ द फिक्स्ड लेंथ, इनमें से किसकी लेंथ फिक्स्ड होगी, इसकी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आप सबको पता है रे को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन को भी, बस लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, जितनी भी हमें दी होगी 2 सेंटीमीटर, 3, 4 एंड सो ऑन, एक फिक्स लेंथ होती है। हाउ मैनी रेज कैन बी ड्रोन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, सपोज एक पॉइंट है फिक्स्ड ओ, उसमें से हम कितनी रोज को कितनी रेज जो है उन्होंने कहा है ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट। देखिए यहाँ भी हमने रे बना दी, यहाँ भी बना सकते हैं, किसी भी साइड आप बना सकते हो, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज हम बना सकते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रोन थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स मैंने कहा ना, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप सबने देखी है ना, तो आपको ये सब कुछ आता है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन में कोई पॉइंट, दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे। उन्होंने कहा हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रोन थ्रू
थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अब आप बताइए इनमें से कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, कमेंट सेक्शन में लिखने, आपने मुझे आंसर बताना है। चलिए आई होप आपने अब तक आंसर लिख भी दिया होगा। तो कितनी लाइंस होती हैं, ओनली वन लाइन, क्योंकि देखिए ये थ्री पॉइंट्स हैं, एक लाइन में लाए कर रहे हैं, तो इनमें से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है अगर वो पॉइंट हमारे नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मीन्स एक लाइन में नहीं है, जैसे वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और यहाँ पे है, एक लाइन में नहीं है, तो हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो वन, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो टू, और एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं थ्री। तो हम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से थ्री लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट इज 40 डिग्री द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो हमें ये बताना है क्या 40 60 का कॉम्प्लीमेंट है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, 90 में से 40 पूछा है तो 40 पहले माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा 50। तो हम क्या बोलेंगे, नो 40 इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 50। 40 किसका कॉम्प्लीमेंट है, 50 का, 60 का नहीं। तो हमारा आंसर आ गया नो, 45 इज सप्लीमेंट ऑफ 45। अगेन सप्लीमेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 में से आपको 45 माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 135। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, 45 इज नॉट द सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, वो किसका सप्लीमेंट है, 135 का। चलिए अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, हमें कुछ फिगर्स दी हैं नीचे, देखिए यहाँ पे ये फोर फिगर्स दी हैं आपको, हमें बताना है आर ए ओ बी एंड ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, हमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, 1 2 3 4, हमारे पास फोर फिगर्स हैं और एंगल भी दिए हुए हैं, जैसे देखो ए ओ बी एंड देन ए ओ सी, उन्होंने हमसे पूछा ये दोनों एंगल, ध्यान से पढ़ना है दोबारा, ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये दोनों एंगल इनमें से किस केस में एडजेसेंट है। तो फिर से वही बात, एडजेसेंट एंगल्स भी हम सीख के आए हुए हैं ना, क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जैसे सपोज हम यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ए ओ बी, बीच में एक और ड्रॉ करके लिख देते हैं सी। अब यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो एंगल है और ये भी एक एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट मीन जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, और जो वो आर्म है वो कहाँ होनी चाहिए, दोनों के बिटवीन, दोनों के सेंटर में बिटवीन होनी चाहिए, ये नहीं कि साइड वाली है ये वाली आर्म आ जाए, नो, उन दोनों के बिटवीन होनी चाहिए बाकी दोनों आर्म्स की, तो वही होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल। चलिए फिर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एंगल हमें कौन से देखने हैं, ए ओ बी एंड ए ओ सी, ए ओ बी यहाँ पे आ गया, ए ओ सी ये पूरा आ गया। तो अब अपने ध्यान से देखना है, कॉमन वर्टेक्स तो है दोनों में, एक सेटिस्फाई होगी बात, ए ओ बी ध्यान से, देन ए ओ सी, जब हमने ए ओ सी देखा तो हमारी देखो ए ओ बी में हमने कौन सी आर्म ली, दिस वन, ए ओ सी में कौन सी ली, ये दोनों, तो कॉमन कौन सी आ रही है, ये तो साइड वाली होगी, हमने क्या समझा था दोनों एंगल्स के बिटवीन होनी चाहिए, साइड में आ रही है, तो हम बोलेंगे इसमें जो ए ओ बी है इज नॉट एडजेसेंट टू ए ओ सी, यहाँ पे ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं हैं। अब देखिए इसमें ए ओ सी, ये तो ए ओ सी हो गया हमारा, देन ए ओ बी, ये हो गया आपका ए ओ बी। अब यहाँ पे आपके कॉमन आर्म वर्टेक्स तो कॉमन है, कॉमन आर्म कौन सी आ रही है हमारे पास, अगेन ये देखो ए ओ सी में भी ये लिखा मैंने, ए ओ बी में भी, अगेन हमारे कॉमन आर्म क्या है, साइड में है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल, इस फिगर में भी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। चलिए थर्ड फिगर देखते हैं, ए ओ बी, दिस एंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, अब यहाँ पे ये एडजेसेंट है, कैसे, जब हमने बोला एंगल ए ओ बी तो ये एंगल आया, जब हमने बोला एंगल ए ओ सी तो ये एंगल आया, और ये दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है ओ एन, दोनों में कॉमन आर्म भी है, दैट इज़ ओ ए, और वो जो कॉमन आर्म है वो होनी चाहिए थी बिटवीन दोनों एंगल्स के बीच में, दोनों जो आर्म्स हैं उनके बीच में, तो इस एंगल की ये वाली आर्म और इस एंगल की दिस,
इन दोनों के बीच में आ रही है हमारी एओ, जो दोनों में कॉमन है. आम कॉमन भी होने चाहिए और इन बिटवीन भी होने चाहिए. तो यस, इसमें दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं. इसमें देखते हैं एओ बी दिस एंगल, देन AOC भी देखना था, तो AOC तो ये पूरा ही हो गया है ना. जब मैंने AOB बोला तो ये एंगल था, AOC में ये पूरा आ गया. अब इसमें देखो AOB बनाते टाइम हमारे पास ये आर्म्स आई, टू आर्म्स. AOC बनाएंगे तो ये टू आर्म्स आएंगी, दिस और दिस, ये दोनों रे. अगेन AO कॉमन है, बट जो कॉमन है वो सेंटर में नहीं आ रही, तो ये भी एडजेसेंट नहीं है. तो कौन से फिगर एडजेसेंट है? ओनली दिस. इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा AOB एंड AOC बोथ द एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. वो एडजेसेंट एंगल सिर्फ इसी फिगर में है, और हमें यही बताना था कि कौन से फिगर में है. तो हमारा आंसर आ गया पार्ट थ्री. आई होप आप सारे स्टूडेंट को यहाँ तक अच्छे से समझ आ भी रहा होगा चैप्टर. और ये चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम एंगल्स वगैरह को भी सीखते हैं कैसे बनाना है, और उनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करने हैं. और ये चैप्टर आपको डिटेल में अच्छे से समझना, क्योंकि आपकी हायर क्लासेस में भी आपको ये काम में आएगा. चलिए अब देखिए, इन द गिवन फिगर ए सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन. हमारे पास एक ना स्ट्रेट लाइन है ए सी, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दे तो डार्क कर देते हैं ए सी, और ये बी ओ उस पर हो गई रे हमारे पास. हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, देन एंगल ए ओ बी दिस एंगल, एंगल बी ओ सी दिस वन, ये दोनों एंगल्स भी हमें फाइंड करने हैं. अब सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं, और बहुत ध्यान से, इससे तो आपके कितने सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं. फर्स्ट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर बनने वाले, चाहे वो इस साइड हमने रे बनाई चाहे इधर बना दें, जैसे यहाँ पे एक एंगल है यहाँ पे एंगल्स हैं, इन एंगल्स का टोटल सम होता है 180 डिग्री. ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, और इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. जब कोई भी टू एंगल्स का सम 180 आए, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आप बोल सकते हो, और इनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं. अब देखिए ये लीनियर पेयर हो गया हमारा, हमने सम को सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखने लगे हैं कि हमें ये पता है कि ए सी एक स्ट्रेट लाइन है. ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ए सी एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स ए ओ बी प्लस बी ओ सी हमारे दो एंगल्स हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री. बट आप सिंपल सीधा नहीं लिखेंगे, आपको रीज़न लिखना होता है. तो आपको यहाँ ब्रैकेट में रीज़न देना है, आपने यहाँ पे लिख देना है लीनियर पेयर्स. ये लीनियर पेयर है. तो अब हमें क्या करना है, ना लीनियर पेयर लिख दिया यहाँ पे, ए ओ बी की वैल्यू पुट करते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू? दैट इज़ एक्स प्लस 25 डिग्री. आपको ऐसे ही पुट करना है. और बी ओ जो एंगल बी ओ सी है उसकी वैल्यू क्या है? 3x प्लस 15. ये दोनों किसके इक्वल आ गए? 180 के. ये आपको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, जब हमने स्टार्टिंग का लिखा है उसी बार. अब देखिए x और 3x दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, 3x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है. 3 प्लस 1 4 x आ गया, नंबर नंबर में ऐड हो जाएंगे. 25 प्लस 15 40 डिग्री आ गया. अब लीनियर इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करनी आती हैं, क्योंकि हमने चैप्टर ऑलरेडी कर लिया हुआ है. और अगर आपने वो चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7 की प्लेलिस्ट से उसका लिंक ले सकते हो, और वो वीडियो भी अच्छे जाके देख सकते हो. चैप्टर लीनियर, सिंपल लीनियर इक्वेशन डिटेल में मैंने वहाँ पर करवाया हुआ है. चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करके 140, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारा 140 डिवाइडेड बाय 4. पहले कटिंग करते हैं, कटिंग करके कितना आ गया, 4 3 12 होते हैं, 2 20. हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 35. चलिए अब हम निकालते हैं अपना सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको ए ओ बी एंगल फाइंड करना है. तो ए ओ बी की पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस 25, विच मीन्स x की वैल्यू क्या आई है, 35. में 25 ऐड कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री. अब हम निकाल लेते हैं अपना थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ सी, जिसकी वैल्यू है 3x प्लस 15. आपको ऐसे ही एज इट इज पुट करना है. 3x मीन्स 3 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. देन हमारे पास क्या आ गया, 105 प्लस 15. देन बी ओ सी इज इक्वल टू प्लस करके आपके पास आ गया 120 डिग्री. अब देखिए आप ना इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. हमारा बी ओ सी कितना आया, 120 डिग्री, और आपका ए ओ सी कितना आया था, 60. तो 60 प्लस 120 कितना होता है,
टोटल होता है 180 डिग्री, वही तो हमने कहा था स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड वाई इन द गिवन फिगर। हमें अगेन एक फिगर दी है जहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स हैं ए ओ बी बी ओ डी एंड डी ओ सी, सबको ऐड करके अगेन 180 आना है क्योंकि सारे बने किस पे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे। जब आपके पास 2 एंगल्स होते हैं तो आप उसको लीनियर पेयर लिख सकते हो, पर जब आपके पास 2 से ज़्यादा एंगल है तो आप लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे कि ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं बताया हुआ दिख रहा है फिगर में, एक लाइन है ए ओ सी एंड एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं 180 डिग्री। तो हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे ए ओ बी प्लस बी ओ डी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम पहले रीज़न लिखते हैं, अब रीज़न में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, ए ओ बी की वैल्यू वाई प्लस बी ओ डी की 150 माइनस एक्स प्लस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास डी ओ सी की एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, y प्लस 150 डिग्री जो भी हमें दिया हुआ है n। अब यहाँ पे देखिए x और x दोनों सॉल्व कर सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं, माइनस प्लस माइनस, x में से x के ज़ीरो, तो सीधा इनको कट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री, y आ गया हमारा 30 डिग्री। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिगर को ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आपको पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है ये वाले एंगल की। अब हम क्या करें इस क्वेश्चन में, अगेन जब हमारे पास 2 से ज़्यादा एंगल्स, हम वही लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल आपके पास एस क्यू टी, देखो ध्यान से देखना है, एस क्यू टी भी एक एंगल है ना, प्लस टी क्यू पी एक ये एंगल है, प्लस पी क्यू आर। अब इन सबका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मैं अगेन कह रही हूँ ये चैप्टर आपके इस क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपकी हायर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स बड़ी क्लासेस में भी हैं, चाहे 8-9 में भी हैं, उनके बेसिक कंसेप्ट अभी तक लाइन एंड एंगल्स में नहीं क्लियर, तो वो भी इस वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट्स को डिटेल में क्लियर कर सकते हैं। तो एस क्यू टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 70 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस एक्स, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज़ पी क्यू आर ही लिख देंगे, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पे। अब देखिए एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, एक्स में से एक्स गए ज़ीरो, तो ये दोनों तो कट गए, 70 प्लस 20 आपके पास आ गया 90, पी क्यू आर इसमें प्लस हो रहा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, 90 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके 90 क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 90, आंसर आ गया हमारा 90 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर, उन्होंने हमें बोला हुआ है इस फिगर में जो हमारा एंगल पी है, एंगल क्यू है एंड एंगल आर है, सारे ही एंगल इक्वल हैं। अगेन अब हमें ये तो पता ही है कि एंगल्स का सम अगर वो स्ट्रेट लाइन पे बने, स्ट्रेट एंगल ही लिख देंगे हम सीधा, स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इन सबका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि 180 का एंगल है ये, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं इक्वल। अब यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, ध्यान से देखिए, जब भी आपके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमें क्या गिवन है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल दिस,
ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो आप किसी की भी जगह पे, अब सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो हम सब एंगल्स की प्लेस पे पी का नेम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है और ये कंसेप्ट आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके यूज़ में आएगा। तो इनका नेम भी पी था, सारे आपस में इक्वल है, अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम इनको एक ही साथ प्लस कर सकते हैं। देखिए लाइक टर्म्स हो गई, 1 + 1 + 1 3, तो बन गया 3p। देन अब हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, 3 वन ज़ा 3, 6 ज़ा 0 एज इट इज़। तो अगर p आपका 60 डिग्री है तो q भी 60 डिग्री है एंड r भी 60 डिग्री है, क्योंकि तो सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर इफ x इज इक्वल टू 2y देन फाइंड द x एंड y। अब आपको पता है कि दो एंगल्स आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। जब आपके पास टू एंगल आ जाए तो आप लीनियर पेयर लिख दिया करो, जहाँ आपको पता ही है कि ये एंगल सप्लीमेंट्री तो है ही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2y, इट मीन्स x की जगह पे हम इन प्लेस ऑफ x हम पुट कर सकते हैं 2y। जब हम इसे पुट करते हैं ना तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में उसको शो कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू जो हमें गिवन दी थी वो पुट की है, कि एग्जामिनर को पता चले कि हमने यहाँ पे ये लिख दिया है अच्छे से, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे किसी पॉइंट पे भी। 2y आपने ये भी देना होता है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप पूरे स्टेप्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। 2y प्लस y आ जाएगा 3y, 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 ओवर 3, कटिंग हो गई, आपका आ गया 60। तो y की वैल्यू हमने 60 फाइंड कर ली है, अब हमें करनी है x की वैल्यू। x क्या है, 2y, मीन्स 2 इंटू y, तो y की वैल्यू 60 है, तो x आ गया आपका 120 डिग्री। तो लिख देते हैं x इज इक्वल टू 120 डिग्री। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, इन दैट जॉइनिंग फिगर इफ़ एंगल b, जो हमारा b है वो किसके इक्वल है, a प्लस c के। तो चलिए सबसे पहले तो ये हम जो स्टेटमेंट हमें पता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और इसके सामने लिख भी देते हैं गिवन कि ये हमें गिवन है। देन एंगल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो हमारा स्ट्रेट एंगल है, जहाँ सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है, देखिए ध्यान से, हम ऐसे लिखते हैं a प्लस सी, मैंने c को पहले लिख लिया, b को भी साइड में लिखते हैं। हमें पता है a प्लस सी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, b, ये दोनों b के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन है कि एंगल b इज इक्वल टू c प्लस a, a प्लस सी के इक्वल है, तो a प्लस सी की प्लेस पे हम b लिख सकते हैं। यस, हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन दोनों की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों के प्लेसमेंट में b लिखा है, तो b प्लस बी क्या हो गया आपके पास, 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, b, तो 180 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 वन ज़ा 2 90 ज़ा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और ये आ गया आपका आंसर। हमें वैल्यू भी सिर्फ बी की ही फाइंड करनी थी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी। से परपेंडिकुलर क्या होता है, सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाए और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दे, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो ए बी है वो बी पे परपेंडिकुलर है। हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स भी बताना है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमें ये पूरा दिया है ए बी सी। अब हमें ये तो गिवन ही है कि ए बी ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, देखिए ऐसे करके ऐसे बनाना है परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं, विच मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने आपको अभी समझाया कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर दूसरी ऊपर से लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जितने भी एंगल्स इनको प्लस करके क्या आ रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स x प्लस 20, अपने ध्यान से समझना, देखो x प्लस 20 प्लस 2x प्लस, ये क्या लिखा है हमारे पास, 1, 7x माइनस 11, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, 90, क्योंकि ये सारे एंगल ए बी सी के ही इक्वल है, ए बी सी इनसे ही बना है, तीनों एंगल्स को ऐड करो तो पूरा ए बी सी बना है और उसकी 90 डिग्री वैल्यू है। अब देखिए हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, 7x प्लस 2x 9, 9 प्लस 1 10, तो बन गया 10x, 20 प्लस 1 21, 21 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 10, 20 बड़ा है, साइन बड़े डिजिट का आएगा तो आ गया
पॉजिटिव 10, अब 10 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस हो गया, 90 में से 10 गए आपके पास बच गए 80, 10x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके हो गया डिवाइड, तो 0 से 0 हमने कट कर दी, आंसर आ गया 8 डिग्री। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना था तो वो x था, तो x का आंसर आ गया 8 डिग्री। देखो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट टू, हमें यहाँ पे लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, दैट इज किसी भी नंबर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको सिंपली उस नंबर को कोई भी जो एंगल है 90 में से माइनस करना है, तो 90 में से x को माइनस कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है 8 डिग्री, तो 90 में से 8 गए, आपके पास आंसर आ गया 82 डिग्री। अब हमने इसके भी दोनों पार्ट्स जो हमने करने थे 9th क्वेश्चन के भी अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने ये एक्सरसाइज 16 है क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ भी गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।